हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक। सो गाइस, यूट्यूब में आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जिन्होंने 3D सॉन्ग्स बनाए हैं, और वहाँ पर आप लोगों को हर समय एक ही चीज़ दिखाई होगी कि 3D सॉन्ग्स। मैं किसी का भी देख लूँ तो फ़िलहाल मैं पहले वाले देखता हूँ, तो 3D सॉन्ग्स वो लोग बनाते हैं और छोड़ देते हैं। अब मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके मन में ये सवाल आया होगा कि 3D सॉन्ग्स, चलो मैं भी बनाता हूँ, बना के छोड़ दूँगा यूट्यूब में। उन लोगों के लिए मैं एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग 3D छोड़ा था, ठीक है, तो मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का वीडियो में ले जाता हूँ। ये जो वीडियो है मैंने छोड़ा था, 3D सॉन्ग मैंने बना के, तो इसमें एक क्या बात है, मेरे को ना मेल आया है। देखिए, मैंने 3D सॉन्ग्स को बनाया जिस तरह से वो लोग बता रहे थे उस तरह से मैंने बनाया था, पर फिर भी यहाँ पर मेरे पास एक मेल आया कि भाई आपका जो YouTube का चैनल है ना उसमें कॉपीराइट आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा, मेरे को ऐसा क्यों कॉपीराइट आ रहा है। तो फिर क्या है कि मैंने बात किया यूट्यूब वालों से, उन लोगों ने कहा कि देखो तुमने जो वीडियो छोड़ा अभी उसका कॉपीराइट क्लेम नहीं हुआ है, फिलहाल वो अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा व्यूज़, जो व्यूज़ मिलेंगे ना उसका हाफ हम उस चैनल वाले को दे देंगे जहाँ से तुमने कॉपी किया। भाई सीधी सी बात है, मैं उनका ओरिजिनल लिंक जो भी वगैरह वगैरह था सब मैंने दिया था मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने वीडियो में बार बार बोला था कि ओरिजिनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं बस ऐसे ही 3D सॉन्ग्स बनाया था। तो वो बात छोड़िए, अगर किसी का मन में यह सवाल आ रहा है कि 3D सॉन्ग्स अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे वहाँ से देख के बनाएंगे जो लोग, वो कह रहे हैं वाइज स्टेप वाइज, तो ऐसा है कि कॉपीराइट आपको मिलेगा भाई, कॉपीराइट आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो भाई जिनके मन में यह चीज़ आ रही है प्लीज मत ट्राई कीजिए। और बात हो रही है, अभी मैं जो जिस चीज़ के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो चीज़ है कि अगर आपके पास कोई सॉन्ग है आप उसका 3D कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जो मेरे चैनल पे नया आया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार अपडेट्स और ट्रिक्स के वीडियोस कभी आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो 3D सॉन्ग्स क्या है ना कि एक तरह से जो है 3D सॉन्ग्स लेफ्ट और राइट ईयरफोन हेडफोन में आपको बस सुनाई देता है, एक बार लेफ्ट में वॉल्यूम ऑफ होगा एक बार राइट में वॉल्यूम ऑफ होगा, ऐसा ही है 3D सॉन्ग्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं तो आपको डेमो दे सकता हूँ, डेमो के लिए मेरे पास ऐसा काइन मास्टर है तो मैं काइन मास्टर में खोल कर दिखाता हूँ। अब क्या है ना कि 3D सॉन्ग्स बनाने के लिए जो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको सिंपली काइन मास्टर ही दिखेगा। तो मेरे पास काइन मास्टर का ये वर्जन है, तो मैं इसमें अगर दिखाऊँ आपको कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, मैं अगर इसको प्ले करूँ ना तो देखिए क्या होता है कि तो आपने देखा ही होगा कि देख लिया आपने कि 3D सॉन्ग्स में लेफ्ट वाला एक बार अप गया फिर नीचे उतरा, फिर राइट वाला अप गया फिर नीचे उतरा, ऐसे मतलब वॉल्यूम को जो है कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट में बजता है वो राइट में ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, अगर लेफ्ट में ज़्यादा तो राइट में कम, राइट में ज़्यादा तो लेफ्ट में कम, ऐसा ही आता है 3D सॉन्ग। अब 8D 4D वैसे ही बनता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो 3D सॉन्ग्स आप कैसे बनाएंगे, तो काइन मास्टर तो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ही ना करे, बिना डाउनलोड के हम 3D सॉन्ग्स बनाएंगे वो भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप बना सकते हो। तो उस लिंक में क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं उस वीडियो के लिए मतलब उस लिंक को मैं ओपन करता हूँ मैं अपने यहाँ से, ठीक है, मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया। ब्राउज़र जैसे ओपन किया है तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फिलहाल आप गूगल खोल लेते हैं,
गूगल के मैंने क्लिक किया, मेरा गूगल खोल गया। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3D ऑडियो कन्वर्टर। 3D ऑडियो कन्वर्टर जैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। हाँ, तो आपको क्या करना है, इस जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हेडफोन का 3D है, ये बहुत पुराना एप्लीकेशन है, अभी प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा फ़िलहाल आपको, पर ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है गाइस, मान लीजिए मेरी बात, अगर आपने क्लिक किया तो। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ, सिंपली ये प्ले स्टोर में दिखा रहा है, वी आर सॉरी द रिक्वेस्ट ऑफ यूर वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। कोई बात नहीं, हमें ऐप डाउनलोड करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे कि मैंने जो आपको लिंक दिया है ना, आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरा ऑलरेडी मैंने एक बार क्लिक किया था, तो मैं सीधा अपना हिस्ट्री में चला जाता हूँ। हिस्ट्री में जाने के बाद मैं उस लिंक को एक बार ढूंढ लेता हूँ। हाँ, ये रहा, इसे जैसे ही क्लिक करेंगे मैम, तो ये लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। आने के बाद क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐड योर म्यूज़िक फाइल, और ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि इंस्टॉल दिस ऐप, पर ये ऐप अभी नहीं मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा ऐड योर MP फाइल में, ठीक है। फिर यहाँ से आप फाइल, कैमरा, रिकॉर्डर, मैं अपना फाइल्स में चला जाता हूँ, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक कीजिए। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपका ऑडियो जो फाइल है ना, ऑडियो फाइल पे चला जाइए। चले जाने के बाद यहाँ पर सोचिए आपको जो भी मतलब आपको जो भी सॉन्ग का 3D चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से क्रिएट कर दीजिए अपना सॉन्ग, बस यहाँ पर से आपको क्लिक करना है। मैंने बस अपना रिंगटोन को सिलेक्ट किया, रिंगटोन को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेक एज अ 3D, तो ये 3D हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मेक एज अ 3D। यहाँ पर कह रहा है थोड़ी देर स्टॉप कर लीजिए। फिर यहाँ पर से आपका, फिर यहाँ पर से देखिए ये पेज अपना आप रिलोड लेगा। ओके, यहाँ पर 100% हो गया। फिर कह रहा है वेट फॉर 4 सेकेंड 3D एक्टिवेटिंग। आप यहाँ पर वेट कीजिए, कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। वेट करने के बाद सिंपली आपको ऐसा एक लिखेगा डाउनलोड नाउ। अब जैसे मैं इसे डाउनलोड करूँगा तो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले आप सुन सकते हो यहाँ से कि कैसा बना है। मैं जानता नहीं हूँ कि इंटरनल ऑडियो आएगा कि नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, प्ले कर देता हूँ। देखिए सुन लीजिए। तो ऐसा होगा कुछ, ऑडियो आपका आप सुन लीजिए लेफ्ट और राइट में बज रहा है कि नहीं, अपना हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा मेरा वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो गाइस, बताइए मुझे कैसा लगा कि एप्लीकेशन बिना डाउनलोड किए ये प्रोसेस आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मैं फ्यूचर में ऐसे मज़ेदार अपडेट्स और ट्रिक्स के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।